तो गाइस देख सकते हो आप, यहाँ पे पुलिस दोनों तरफ से आ गई है। अब मैं क्या करूँ, तो मैं फंस गया फिर से। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? ननेको दीदी आ गई, ननेको दीदी आ गई। और गाइस आ गए आप लोग भी। तो गाइस आप लोगों का स्वागत है एक और GTA 5 की वीडियो में। तो गाइस अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपने बहुत चीजें मिस कर दी हैं। पिछली बार जो हम टेंट करने गए थे वो ऑर्गेनाइज ननेको दीदी ने किया था और उन्होंने हमें बहुत से पैसे दे दिए हैं। तो मैं अभी बहुत सी दवाई लेके आया हूँ। अब जाके देखते हैं ननेको दीदी कहाँ है। मैं उनको फ्रैंकलिन भैया से मिलाने लाया था। ननेको दीदी आप कहाँ हो? अरे ननेको, हमने सिंचन को क्या पागल बनाया ना? फ्रैंकलिन। ननेको दीदी, हमने सिंचन का पागल बना दिया। ओ गाइस यहाँ तो है ही नहीं, कहाँ चली गयी? ननेको दीदी, ननेको दीदी। और वो पागल समझ में नहीं पाया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हाँ वो तो 5 साल का बच्चा है, वो क्या समझेगा। वो गाइस ननेको दीदी डांस क्यों कर रही हैं? ननेको दीदी आप डांस क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे? अरे ननेको दीदी आप डांस अकेले। फ्रैंकलिन भैया देखो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे वो सिंचन मैं ऐसे ही डांस कर रही थी, मुझे आदत है सुबह सुबह डांस करने की। अरे गाइस ये ननेको दीदी फालतू में डांस क्यों कर रही थी? फ्रैंकलिन भैया गुस्सा हो जाएंगे, मुझे पता है। गाइस आपको तो पता ही होगा फ्रैंकलिन भैया कार एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि वो कार को चुराते हैं और बेच देते हैं। तो वही कार के डील के लिए मेरे पास एक कॉल आई थी और वो कॉल बहुत ही खतरनाक थी, वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे। तो गाइस आज हम एक कार लेने जा रहे हैं, वो कोई मामूली कार नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि हम नैनो लेने जा रहे हैं, नहीं हम नैनो नहीं लेने जा रहे हैं, वो रशिया से आई है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेड कार है, अगर हमने उसको बेच दिया तो हम बिलियनर बन जाएंगे। तो हम जल्दी से चलते हैं फ्रैंकलिन भैया के खटारा कार में। गाइस जैसे कि मुझे पता चला है कि वो कार वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही आएगी, क्योंकि उनका जो मालिक है वो लेने आएगा वहाँ पे, और वो सिर्फ एक ही कार है पूरी दुनिया में और उसकी कीमत बहुत करोड़ों बिलियंस में है। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, जल्दी से मैं मार्क लगाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया ने अपना मैप मुझे दे दिया है, यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ। गाइस हमें यहीं जाना है, जल्दी चलते हैं। और मुझे पूरा यकीन है फ्रैंकलिन भैया बहुत ही जल्द सही हो जाएंगे और हम उनके साथ भी बाहर घूमने जाया करेंगे। तब तक के लिए मैंने ननेको दीदी को बोला है कि वो उनका ध्यान रखें और मैं थोड़ा से पैसे इकट्ठे करता हूँ उनके इलाज के लिए। इतने पैसे उस दिन मुझे मिले थे ननेको दीदी से, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, तभी तो मैं जा रहा हूँ। ये प्लान मैंने खुद बनाया है आपके छोटे से 5 साल के सिंचन ने। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे आ चुके हैं, अब हमें बस अंदर जाना है। मुझे लगता है वो एक ही कार है तो हो सकता है वहाँ पे कुछ गार्ड्स भी खड़े होंगे। चलो जल्दी से चलते हैं, हमें छुपके छुपके जाना होगा पैदल। मैं कार को यहीं खड़ा कर देता हूँ और जल्दी से चलते हैं। गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। वो ये क्या है, भाग यहाँ से, क्योंकि वो कार जो है वो बहुत ही अच्छी दिखती है। मुझे उसने बताया था कि तुम्हें ये कार चुरा के मुझे देनी है, मैं तुम्हें बहुत से बिलियन डॉलर्स दूंगा। और गाइस मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग खड़े होंगे जैसा कि मुझे लग रहा है, और रात हो रही है, शायद यहाँ पे कोई भी नहीं है। हमें छुपके छुपके जाना होगा, मेरे पास तो गन भी नहीं है गाइस, अब मैं क्या करूंगा। कोई बात नहीं, मेरे पास मिसाइल गन है मेरी वाली। और गाइस यहाँ पे हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, गाइस यहीं पे खड़ी होनी चाहिए कार। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे और कोई भी नहीं है और रात के सन्नाटे में मैं यहाँ पे आया हूँ। गाइस यहाँ पे अगर कोई भी हुआ तो मैं बहुत ही पूरा फंसूंगा। गाइस मुझे कार कहीं नहीं दिख रही है, क्या आपको दिख रही है? राज 20 भाई भी पता नहीं कहाँ चले गए, मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो गाइस वहाँ पे कार है, जल्दी से मुझे छुपना होगा, देखना होगा कि कहीं पे और कोई तो नहीं है। गाइस जल्दी से कार लेते हैं और जल्दी से चलते हैं। और गाइस आप देख सकते हो गोल्ड कलर की कार है, ये इलेक्ट्रिक कार है मेरे ख्याल से। जल्दी से अंदर बैठते हैं, देखते हैं कैसा लुक आएगा अंदर से। और ये तो मेरे साइज की है। और गाइस आप देख सकते हो इनके टायर्स में भी लाइट जल रही है, पीछे से भी लाइट जल रही है, लगता है ये भी मिसाइल लॉन्च करती होगी। और इसके ऊपर 63 नंबर लिखा है, लगता है इसका फेवरेट नंबर है। गाइस मैं आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ, देखो गाइस बिल्कुल आवाज नहीं कर रही है ये, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, हमें चुपके चुपके निकलना होगा इधर से। और गाइस बहुत रात हो रही है, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा रोशनी है इधर।
गाइज मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, कहाँ है वो? जल्दी खोल, जल्दी जल्दी खोल दे। ओ गाइज ये तो खुला हुआ है, यहाँ से निकल जाते हैं हम लोग। ओ मैडम जी आप यहाँ क्यों आ गए? और गाइज ये क्या हो गया, यहाँ तो पुलिस पड़ गई, मेरे पीछे भागना होगा, जल्दी जल्दी। ओ गाइज पुलिस आ गई, ओ ओ ये लोग तो गोली चला रहे हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीस्ट भाई जल्दी से कुछ बताओ ना, कहाँ जाना है मेरे को, तो मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो फ्रैंकलिन भैया ही बेड पे पड़े थे, अब लगता है मैं भी बेड पे ही गिर जाऊँगा। ओ मैंने कहाँ गिरा दी है कार, तो बीस्ट भाई जल्दी बचा लो मेरे को, मैं नहीं मरना चाहता। गाइस देख सकते हो आप, यहाँ पे पुलिस दोनों तरफ से आ गई है, अब मैं क्या करूँ, तो मैं फंस गया फिर से, जल्दी भागना होगा मुझे, जल्दी 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 बूस्ट लगाओ। ये मेरा बूस्ट कितना खतरनाक है। गाइस हम तो तूफान बन गए हैं, जल्दी भागना होगा हम लोगों को। ओ जल्दी जल्दी जल्दी, ओ पुलिस वाले हटना, मेरी इलेक्ट्रिक सुपर कार है। ओ ओ ओ ये कहाँ जाऊँ मैं, अरे अरे पुलिस ही आ गई सारी तरफ से। गाइस जल्दी से लाइक कर दो ताकि मैं इसको जल्दी से बचा पाऊँ। ओ मिलिट्री भी आ गई मेरे पीछे, भागो भागो, एक 5 साल के बच्चे के पीछे कौन कौन पड़ा हुआ है, ओ जल्दी बचा लो मेरे को। मुझे जल्दी से इस कार का रंग चेंज करवाना होगा, मैंने मार्क लगा दिया है। गाइस आप मेरे साथ ही रहना और जल्दी से लाइक कर दो मेरे लिए। जल्दी जल्दी मिलिट्री भी पीछे पड़ गई, एक 5 साल के बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, और इतनी फॉग क्यों हो रही है। गाइस क्या आपके यहाँ भी ठंड हो रही है इतनी, मुझे जरूर बताना। तो पुलिस वाले भागना यहाँ से, जल्दी भाग भाग, तो जल्दी भागना होगा गाइस। ओ भागना यहाँ से, मुझे भागने दे। ओ भागो 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 भागो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। तो गाइस लगता है हमने पुलिस को पीछा छोड़ दिया, हमने पुलिस को पीछे छोड़ दिया। गाइस मुझे लगता है हम जीत गए हैं, पर अभी भी हम जीते नहीं हैं, हमें जल्दी से इस कार का कलर वलर सब चेंज कराना होगा। ये गोल्ड कलर की जगह हमें कुछ और करना होगा। हमारे पीछे पहली बार पुलिस पड़ गई, फ्रैंकलिन भैया ने बताया नहीं था, लॉस सैंटोस की पुलिस इतनी खतरनाक होती है, पीछा ही नहीं छोड़ रही थी मेरा। गाइस ये कार तो बहुत ही कम आवाज करती है, इसलिए लगता है पुलिस ने हमारा पीछा छोड़ दिया। ओ हमने पुलिस को चकमा दे दिया। गाइस यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है शायद, हाँ मेरे ख्याल से लेफ्ट ही मुड़ना है, यहाँ पे है शायद ये। गाइस इसके अंदर जाना होगा हमें जल्दी से। गाइस ये खुल क्यों नहीं रहा है? और गाइस बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने इसका कलर चेंज करवा लिया है, वो भैया खोल ही नहीं रहे थे, वो लगता है वॉशरूम में थे, तो मैं अंदर घुस के मैंने खुद ही पेंट कर लिया। गाइस देखो हमने लाल पेंट कर लिया है इसके ऊपर, अब कोई पहचान नहीं पाएगा इसको, और अभी मुझे इसको छुपाना होगा जाके, फिर इसकी डिलीवरी के लिए हम अगले एपिसोड में जाएंगे। जल्दी से इसको छुपाना होगा हमें जाके। ओ मैं कहाँ छुपाऊँ, यहाँ पे पास में ही एक गांव है, मुझे लगता है इस गांव में ही छुपानी चाहिए। गाइस ये रहा गांव, ड्राइवर अंकल के पास का गांव, यहाँ पे मुझे छुपाना होगा इधर जाके, ड्राइवर अंकल ही मेरी मदद कर पाएंगे। अभी जल्दी हमें जाना होगा उधर, थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ है। आई होप मुझे इसके बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे ताकि मैं फ्रैंकलिन भैया का इलाज कर पाऊँ। अब वैसे नन्हे को दीदी वहाँ डांस क्यों कर रही थी अकेले अकेले में, मैंने तो उनको पहले ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। लॉस सैंटोस में भी बहुत ठंड पड़ रही है गाइस, अब मैं हाफ टी शर्ट में चल रहा हूँ, मेरे पास और कपड़े नहीं है। और गाइस कितनी बढ़िया कार लग रही है, RGB लगी हुई है, इलेक्ट्रिक कार है, वो कुछ दिख नहीं रहा है, सफेद सफेद, जल्दी जाना होगा हमें। गाइस हम जल्दी से पहुंचने वाले हैं, यहीं से हमें राइट लेना है, और ये हमने राइट लिया और इधर आ गए हम एक गांव के अंदर, ड्राइवर अंकल के गांव के अंदर ही आ गए। हमें यहाँ से इधर जाना होगा। वो कुछ हुआ तो नहीं कार को? कुछ नहीं हुआ, ये स्ट्रांग कार है, हमें जल्दी से इसको छुपाना होगा कहीं पे जाके ताकि हम बाद में इस कार को ले पाए। तो गाइस यहाँ पे हमें जाना होगा इधर से, ऐसे को तोड़ लेते हैं वो गाय, मैं यहाँ से दूध ले लूंगा। गाइस हमें यहाँ पे छुपाना होगा इस तबेले के अंदर, यहाँ पे कोई शक नहीं कर पाएगा। वो गाय यहाँ पे मुझे इसको छुपाना होगा, ऐसे यहाँ पे हम खड़ा कर देते हैं। अरे अरे यहाँ तो गोबर है, जल्दी से निकलना होगा बाहर। और ये लो गाइस हमने यहाँ पे कार को छुपा दिया है, कोई यहाँ पे शक नहीं कर पाएगा। यहाँ पे तबेला है, यहाँ पे तबेले के पास और कोई नहीं आएगा, और हमने एक बहुत ही बढ़िया बिलिनर्स कार चुरा रही है। आई होप मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे मिलेंगे इससे, और मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।